फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपस किचन। आज का रेसिपी मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज बनाऊंगी हरे ताजे मटर की पापड़। तो इसके लिए हरे ताजे मटर जो विंटर सीजन में बहुत ही इजीली मार्केट में मिलता है, तो उसका ही वही फ्लेवर का पापड़ बनाऊंगी। तो आधा कप हरे मटर लिया और एक कप साबूदाना लिया, और टेस्ट देने के लिए नमक, जीरा और दो ग्रीन चिली ऐड करूंगी। ग्राइंडर का जार ले लिया, पहले साबूदाना को पीस के रेडी कर लेती हूँ। साबूदाना का पाउडर बर्तन में ऐड कर दिया, सेम जार में ग्रीन चिली और हरे मटर को पीस के रेडी कर लेती हूँ। एक ग्रीन चिली और जो हरे मटर है पेस्ट बना लिया। अभी जो साबूदाना का डाला था पाउडर उसमें ऐड कर देती हूँ, और जार में जो एक्स्ट्रा है वो भी पानी ऐड कर दूंगी। तो उसको पहले एक कप पानी ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तीन गुना पानी ऐड करने का, जार में जो था उसमें पानी ऐड करके साबूदाना का पाउडर में ऐड कर दिया। बहुत ही ठीक है तो इसके लिए, और जो तीन गुना पानी बोला तो ऐड कर देती हूँ। साथ में नमक ऐड कर देती हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, और जीरा बाद में ऐड करूँगी। अभी पानी ऐड करके हो गया, चलते हैं गैस की तरफ। गैस के ऊपर रख दिया हाई फ्लेम में, बॉयल आने तक कुक करूँगी। फिर बॉयल आने के बाद लो फ्लेम में 10 मिनट कुक करूँगी। और अभी पतला दिख रहा है ना, तो अभी कड़ा भी हो जाएगा और अच्छी तरह से साबूदाना और हरे मटर पक जाएगा, तभी कलर भी चेंज हो जाता है। तो ऐसे कंटिन्यू स्टार करते जाने का एक बॉयल आने तक। देख ही सकते हैं बॉयल होके जो साबूदाना है वो ट्रांसपेरेंसी हो गया, और जो हरे मटर का पेस्ट ऐड किया था वो भी अच्छी तरह से कुक्ड हो गया, गाढ़ा भी हो गया। तो इस टाइम मैं ऐड करूँगी एक चम्मच जीरा और अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, और साथ में ऐड करूंगी एक पिंच ग्रीन फूड कलर, क्योंकि हरे मटर का है इसके लिए एक पिंच ही ऐड किया। इसमें टेस्ट का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसके लिए मैं ग्रीन फूड कलर ऐड किया। आप लोग चाहिए तो दीजिए, नहीं तो स्किप कीजिए। देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आ गया। अभी गैस बंद करके हल्का सा ठंडा कर लूँगी, फिर बनाऊंगी पापड़ हरी मटर का। पापड़ का मिश्रण हल्का सा ठंडा हो गया, अभी पापड़ बना लेती हूँ। प्लेट में पापड़ बनाऊंगी तो ऑयल ग्रीस कर लिया, और जो मिश्रण है अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। छोटा एक स्पून ले लिया ऐसे, बहुत ही इजी से दे सकते हैं। लोग के पास धूप नहीं रहेगा तो भी पंखे के हवा में भी ये पापड़ बना सकते हैं। एक बार बना के बहुत दिन तक आप लोग रख के स्टोर करके रख सकते हैं साल भर के लिए। मैं तो अभी बनाती हूँ और साल भर के लिए रख देती हूँ। तो ऐसे सारे प्लेट में बना लेती हूँ, और एक बार दिखा देती हूँ। विंटर सीजन में जब भी हरे ताजे मटर आए तो उसको फ्लेवर का ऐसे बना सकते हैं। इसके पहले भी बहुत सारा पापड़ का रेसिपी मैं ऑफिस किचन में देख के रखा, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। और जो इजी प्रोसेस है वही मैं आप लोग को साथ शेयर किया, तो सब लोग आसानी से बना पाएंगे। तो ऐसे सारे बना लेती हूँ। देख सकते हैं बहुत सारा पापड़ ऐसे बना के रेडी कर लिया। अभी सूखने को बाद मिलती हूँ। ताजे हरे मटर की पापड़ बन के रेडी हो गया, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी और कलर भी बहुत अच्छा आया। तो ऐसे सूख के रेडी हो गया, चलते हैं फ्राइंग के लिए। ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया, फ्राई करके देखते हैं। ऑयल गर्म हो गया, देख ही सकते हैं कितना बड़ा फूल के रेडी होता है।
बहुत ही अच्छा पापड़ बना है, तो टेस्ट करके देखती हूँ और सारे पापड़ को ट्राई कर लेती हूँ। देख ही सकते हैं इतना सा छोटा सा पापड़ इतना बड़ा हो जाता है। बहुत ही क्रिस्पी बना है, टेस्टी बना है और हरे मटर की फ्लेवर में। इसके पहले भी बहुत सारा पापड़ का रेसिपी मैं वीडियो में देख के रखा, आप लोग देख सकते हैं, और कितना क्रिस्पी बना आप लोग देख ही सकते हैं। एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग का एक्सपीरियंस मेरे से शेयर कीजिए। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।